जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा कर ही सब कोई, जिनके कपट दंभ नाही माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, जिस मनुष्य पर प्रभु राम की कृपा होती है उस पर सभी की कृपा होने लगती है, और जिनके मन में कपट दंभ और माया नहीं होती उन्हीं के हृदय में प्रभु राम का निवास होता है। अयोध्या में 8 दिन बाद विराजमान होने जा रहे हैं रामलला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JJN न्यूज में, और मैं हूँ आपके साथ पूजा, और ये है हमारी खास सीरीज अयोध्या साझे रामलला विराजे। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। कल हमने आपको अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए नेपाल से आई शालिग्राम शिला के वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के बारे में बताया था। आज हम आपको बताएंगे कि राम मंदिर में बन रहे शानदार द्वारों और दरवाजों के बारे में, साथ ही बताएंगे कि राम मंदिर के संघर्ष में निहंग सिखों के योगदान की रामलला के मंदिर को ऐसे ही दिव्य और भव्य नहीं कहा जा रहा। आपको बता दें, इस विशाल मंदिर में 44 द्वार बन रहे हैं। इनमें से 18 द्वारों पर दरवाजे लगाए जाएंगे, और इन 18 में से 14 द्वारों पर स्वर्ण जड़ित दरवाजे लगाए जाएंगे, और बचे हुए 4 दरवाजों पर स्टोर के हैं, जिन्हें वर्निश कर आकर्षक बनाया गया है। आपको बता दें, मंदिर के भूतल पर लगने वाले दरवाजे लकड़ी के बने, जिन्हें हैदराबाद की एक कंपनी ने तैयार किया है। साथ ही राम मंदिर तक पहुंचने के लिए 3 पथ भी बनाए जा रहे हैं, जिनके नाम राम जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ और राम पथ है। दरवाजों की खूबसूरती में नक्काशी और सोने की परतें 4 चांद लगाएंगी, और इन दरवाजों पर हाथी, पुष्प कमल, स्वागत की प्रणाम मुद्रा में देवी समेत दूसरे चित्र उकेरे जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, भले ही राम मंदिर में 44 द्वार बनाए जा रहे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को प्रवेश एक ही द्वार से मिलेगा। भगवान राम का ये मंदिर जितना भव्य बन रहा है, उतना ही इसमें श्रद्धालुओं की सहूलियत का भी ध्यान रखा जा रहा है। श्रद्धालुओं की सहूलियत को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सुग्रीव किला के गेटवे 2 के बगल में एक सुविधा केंद्र बना रहा है। बता दें, श्रद्धालुओं को राम मंदिर में प्रवेश के लिए सुग्रीव किला आना होगा। भक्तों को बिरला धर्मशाला के सामने तैयार किए जा रहे द्वार से सुग्रीव किला होते हुए मंदिर में प्रवेश मिलेगा। जिस तरह हिंदू धर्म के पुराने मंदिरों में प्रवेश द्वार कुछ दूरी पर बनाए जाते थे, उसी तरह राम जन्मभूमि परिसर से 600 मीटर की दूरी पर मौजूद बिरला धर्मशाला के सामने 35 फुट ऊंचे 2 मुख्य द्वार बनाए गए हैं। द्वार से अंदर आने पर 75 फुट चौड़ी रोड बनाई जा रही है, जिसके दोनों तरफ फुटपाथ होगा। इसी रास्ते से श्रद्धालु आगे की ओर जाकर मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। चलिए अब बात करते हैं उस ऐतिहासिक घटना की, जब विवादित ढांचे पर निहंग सिखों ने कब्जा कर लिया था। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर न केवल हिंदुओं में बल्कि निहंग सिखों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। निहंग बाबा फकीर सिंह खालसा की 8वीं पीढ़ी के बाबा हरजीत सिंह रसूलपुर अयोध्या में लंगर लगवा कर भगवान राम के प्रति अपने पूर्वजों की भक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार साल 1858 में निहंग बाबा फकीर सिंह खालसा के नेतृत्व में 25
निहंग सिखों ने विवादित ढांचे पर कब्जा कर लिया था। कब्जे के बाद उन्होंने यहां हवन के साथ राम नाम का जाप शुरू कर दिया। इसके अलावा निहंग सिखों ने ढांचे की दीवारों पर कोयले से कई जगह राम राम लिख दिया और भगवा झंडा भी फहरा दिया था। निहंग सिखों को ढांचे से हटाने में प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। 30 नवंबर 1858 को अवध पुलिस स्टेशन के तत्कालीन प्रभारी ने निहंग सिखों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस घटना ने साल 2019 में सबका ध्यान अपनी ओर तब खींचा जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस घटना का जिक्र किया। आज के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको हमारी एक खास पेशकश पसंद आई हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही राम मंदिर से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए JJN News। धन्यवाद।